नफीसा नफीसा आ जाओ, आगे खाना खा लो। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं जरा वफा के लिए खाना गर्म करने जा रही थी। रहने दो, उसे अपने गुनाहों की सजा भुगतने दो, कोई जरूरत नहीं उसे पूछने की। अपनी ममता को काबू में रखो, उनके बारे में सोचो जिन बेगुनाहों को तुम दफना चुकी हो वफा की वजह से। चलो आओ यहाँ आके बैठ के खाना खाओ। अम्मी खबरदार, खबरदार जो तुमने वफा की हिमायत में एक लफ्ज भी बोला। तुम खड़ी क्यों हो? आओ ना खाना शुरू करो। वफा, तुम यहाँ क्यों आ गई? अब मैं आप लोगों के साथ खाना खा सकती हूँ। सुनो लड़की, ज्यादा हमदर्दियां बटोरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में रखा हुआ है ना, यही गनीमत समझो, वरना तुम जैसी लड़कियों की जगह जहां होती है ना, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। मेरा मुंह मत खुलवाना। और तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आई? तुम्हें कहा है ना कि अपने कमरे में रहा करो, तो बाहर क्यों आई अपने कमरे से? कोई बात नहीं खाला, यही है मेरी सजा, मेरी औकात। जो किसी के लिए नहीं था उसके लिए आज कौन होगा? यही मकाफाते अमल है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ल गुम करो, जाओ अपने कमरे में, चली जाओ यहां से। चलो चलो बेटे। खाला, मैंने बहुत दिल दुखाया आपका। मैं इस लाइफ तो नहीं हूं, लेकिन अगर दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मुझे माफ कर दे। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश सुनी जाती है खाला। नफीसा नफीसा, खुदा के वास्ते इसे यहां से ले जाओ, इसे दूर करो मेरी नजरों से, हटा दो यहां से। चलो बेटा, खाना ने माफ नहीं किया। चलो चलो, खाना ने माफ नहीं किया, लेकिन चलो तुम खाना शुरू करो। चलो